नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री आज दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वे G20 देशों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम रात 9 बजे होगा, जिसमें तमाम मेहमान देशों के प्रतिनिधियों के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस रात्रि भोज में शामिल होंगे। उनके साथ ही इस कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 83,000 युवा प्रशिक्षित होंगे, जिसमें डिप्लोमा धारकों के साथ ही स्नातकों को भी अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग में 100 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है और सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। योजना में 21 विभाग और उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी निजी संस्थानों में NTS की मॉनिटरिंग की जाएगी। योगी कैबिनेट ने हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी है। इसके तहत परीक्षा केंद्र के लिए पहले राजकीय और एडेड विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद सबसे आखिर में वित्त विहीन विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन वित्त विहीन विद्यालयों में पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराने वाले 30% से ज्यादा परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे हैं, वे केंद्र नहीं बन सकेंगे। इसी तरह से कम 80 पंजीकृत परीक्षार्थी से कम परीक्षार्थी वाले प्राइवेट विद्यालयों को इस बार भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकेगा। जेनेटिक टेस्ट करके ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को किसी भी स्टेज में रोका जा सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर में करीब 2500 रोगियों पर रिसर्च हुआ। इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवा से ही कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। वहीं रिसर्च के दौरान ये भी देखा गया है कि 2500 लोगों में जिसने भी दवा का इस्तेमाल किया था, उसमें से एक की भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई है। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा 23 सितंबर से बहाल हो जाएगी। वाराणसी से कैंट रोडवेज स्टेशन से काठमांडू तक AC बस चलेगी। अभी नेपाल से बस आएगी, फिर काशी से यात्रियों को लेकर जाएगी। यूपी परिवहन निगम की बस 1 महीने बाद चलेगी। बस मंगलवार और शनिवार को रात 10 बजे कैंट बस स्टेशन से रवाना होगी, जबकि नेपाल से सोमवार और बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे चलेगी। प्रति यात्री किराया 1750 रुपये निर्धारित है। 23 सितंबर को ही 50% तक लोगों ने एडवांस बुकिंग करा ली है। झांसी के बरुआ सागर में उगने वाली अदरक का स्वाद अब पूरी दुनिया चखेगी। बरुआ सागर की अदरक को जल्द ही GI टैग मिलने जा रहा है। GI टैग मिलने के बाद यहां के किसानों को अदरक की अच्छी कीमत भी मिलनी शुरू हो जाएगी। नाबार्ड द्वारा इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। GI टैग मिलने के बाद अदरक की प्रोसेसिंग और उसे एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे किसानों को अपने अदरक की दोगुनी कीमत मिलेगी। कोरोना से भी खतरनाक लेप्टोस्पायरोसिस ने वाराणसी में दस्तक दी है। ये बीमारी चूहों से होती है, जो बच्चों को ही निशाना बनाती है। अब तक 10 से अधिक बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिरोजाबाद जिले के आलू उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया कोल्ड स्टोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम मोबाइल ऐप अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस ऐप को भारत सरकार की ओर से ई गवर्नेंस सेवा में गोल्ड मेडल के लिए चुना जाने के बाद बागवानी विभाग ने इसके विस्तार पर काम शुरू कर दिया है। इसमें किसानों को सभी बाजारों के भाव भी दिखेंगे, जिसके बेसिस पर वह अच्छे दाम पर आलू की बिक्री कर सकेंगे। इसके जरिए किसानों को मोबाइल पर ही ये पता चल जाता है कि किस कोल्ड स्टोर में आलू रखने का कितना स्थान है। साथ ही भंडारण के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी ऐप से ही हो जाती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने PO के 2000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2023 है। ग्रेजुएशन करने वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत लगभग पूरे प्रदेश में पिछले कुछ घंटों में मौसम ने करवट ले ली है। यहाँ कई जगहों पर आंधी तूफान और गरज चमक जैसे हालात बन रहे हैं। लखनऊ मौसम केंद्र ने आज यानी शनिवार के लिए कई जिलों में बारिश को लेकर संभावना जताई थी। कई जिलों में तो बारिश को लेकर स्थिति ऐसी है कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।